सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट स्कोर चैनल को इस रेड बटन में क्लिक करके, और इसी के साथ एक बेल आइकन है, उस बेल आइकन पे क्लिक करें क्रिकेट का लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज मैं आप लोगों से कुछ बात बताने वाला हूं। क्रिकेट स्कोर चैनल का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, मुझे लगता है कि आज का जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मैं आप लोगों से ये बात करूंगा कि आप लोग आपसे आपके जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, जो बड़े हैं, उन लोगों के साथ आप किस तरह से बिहेव करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत, आप देख रहे हैं क्रिकेट स्कोर, लेट्स स्टार्ट द गेम। बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे मैंने देखे हैं, मेरे आसपास है, सिलचर में, आसाम में बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो सीनियर क्रिकेटर्स को इतना रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। मुझे बहुत बुरा लगता है ये देखकर कि वो लोग अपने सीनियर जो क्रिकेटर्स हैं उन लोगों को रेस्पेक्ट नहीं करते। देखिए, इसमें बहुत सारे रीजंस है। जो सीनियर क्रिकेटर्स है वो भी इसके लिए बहुत रेस्पॉन्सिबल है वो लोग, क्योंकि उन लोगों ने अपने जो सीनियर क्रिकेटर है उन लोगों के साथ इस तरह से रेस्पेक्ट नहीं किया था, क्योंकि बड़ों से तो देखकर ही सीखते हैं बच्चे। तो ये एपिसोड मैं इसलिए बना रहा हूँ जो छोटे बच्चे हैं, जो ये चैनल जो है जो अपकमिंग क्रिकेटर्स के लिए है, उन लोगों को देखिए, सिर्फ क्रिकेट खेलना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं होता है। क्रिकेट के साथ साथ आप बहुत सारे ऐसी चीज़ें भी होती है क्रिकेट के साथ साथ जो आपको सीखनी चाहिए, जो आपको कोचेस शायद नहीं बताए, शायद बता सकते हैं लेकिन मुझे नहीं लगता इतना वो लोग बताएंगे। वो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग टेक्निक के ऊपर ध्यान देंगे, आप किस तरह से खेले उसके ऊपर ध्यान देंगे, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कुछ ऐसा बिहेवियर है जो आप लोगों को सीखनी चाहिए। क्रिकेटर्स को, जो छोटे बच्चे हैं, जो अपकमिंग क्रिकेटर्स हैं, वो लोग जब धीरे धीरे ऊपर के लेवल तक आते हैं तो उन लोगों को अपना जो सीनियर क्रिकेटर्स है उन लोगों को हमेशा फॉलो करना चाहिए। वो लोग किस तरह से बिहेव करते हैं, उन लोगों का किस तरह से एक्टिविटीज रहता है, उन सब चीज़ों को आप लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो ये सब फॉलो करने के लिए आप लोग जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं उन लोगों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो अपने जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं उन लोगों के साथ अच्छी तरह से बिहेव करें। देखिए, बहुत सारे ऐसे मैंने क्रिकेटर देखे हैं कि अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, उसके बाद रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, फिर जोन खेलते हैं, इंडिया लेवल खेलते हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं, लेकिन वो लोग अच्छा खेलने के साथ साथ उनके दिमाग में ऐसा आ जाता है कि मैं बड़ा क्रिकेटर बन गया हूँ और अभी मुझे कौन रोकेगा, इस तरह से उन लोगों के बीच में एक मेंटेलिटी आ जाता है। तो देखिए, जब तक आपके अंदर ताकत है तब तक आप एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, और जब आपके अंदर ताकत ख़त्म हो जाएगा तब उसी वक्त आपको ये जो बिहेवियर है उसकी ज़रूरत पड़ेगा। बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं कि जूनियर प्लेयर के साथ बिहेव अच्छी तरह से नहीं करते हैं। देखिए, मैं एक बात आप लोगों से बताना चाहता हूँ, ये जो बिहेवियर है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को हर डिपार्टमेंट पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, आप अपने फैमिली लाइफ में हो, आपके जॉब में हो, आपको एडुकेशन में हो, स्कूल कॉलेज में जहाँ भी आप पढ़ाई करते हैं वहाँ पर भी आपका बिहेवियर का बहुत ज़रूरत पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग हमेशा अपने जो सीनियर है उन लोगों से अच्छी तरह से सीखे, वो किस तरह से बात करते हैं, वो किस तरह से क्रिकेट को लेके सोचते हैं। तो अगर आप इस क्रिकेटर को, कोई भी क्रिकेटर को अगर आप फॉलो करेंगे तो मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि आप आगे चल के एक बेटर क्रिकेटर बन सकते हैं। और किस तरह से रेस्पेक्ट करें, ये भी बात एक आ जाता है। देखिए, अगर आप पहली बार फील्ड पे जाए, सुबह आप फील्ड पे जाए, तो हमेशा आप अपने जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं उन लोगों को हमेशा आप मॉर्निंग डे के विश करें। जब भी देखें, अगर आपको इवनिंग में आपके साथ उनके साथ भेंट हो तो उनको गुड इवनिंग करके विश करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप उनके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं। सिर्फ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं कि उनको ऐसा लगता है कि विश करने से क्या होगा। विश का मतलब ये नहीं है, विश का मतलब ये होता है कि आप उनके साथ कॉपरेशन में है, आप उनके साथ लगे हुए हैं, आप उनके साथ में है, ये दर्शाता है। बहुत सारे चीज़ ऐसे होता है।
और एक चीज है, मैंने ऐसा भी बहुत क्रिकेटर्स को देखा है कि बैठे हुए हैं और साथ में एक सीनियर क्रिकेटर्स खड़ा हुआ है, लेकिन वो उसको बैठने के लिए नहीं बोलते। देखिए, अगर आप एक जूनियर क्रिकेटर है और शायद आपके पास एक सीनियर क्रिकेटर खड़ा है, हो सकता है कि आप उन सीनियर क्रिकेटर से ज़्यादा खेले हो, लेकिन क्रिकेट में अगर वो आपसे एक दिन पहले भी क्रिकेट में आए तो वो आपसे सीनियर है, तो हमेशा आप उनको अपने चेयर से उठ के उनको बैठने की जगह दें। ये ज़्यादातर क्रिकेटर नहीं करते। ये काम आपको क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये आप जो काम कर रहे हैं वही काम आपका एक जूनियर क्रिकेटर देख रहा है और वो आगे चल के आपके साथ बिल्कुल इसी तरह से बर्ताव करेगा। जो आप करोगे बिल्कुल उसी तरह से आपका फीडबैक आपको मिलेगा। बहुत सारे कंप्लेंट मेरे पास आए हैं, बहुत सीनियर क्रिकेटर ने मुझसे बात की है और मुझसे ये कहा है कि देखिए मैं मुझे जूनियर प्लेयर्स इतना रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, ज़्यादातर वो लोग सोचते हैं कि मैं बड़ा क्रिकेटर बन गया हूँ लेकिन मैं उनसे सीनियर हूँ और फिर भी वो रेस्पेक्ट नहीं करते। रेस्पेक्ट इसीलिए नहीं करते क्योंकि उस बच्चे ने, वो जो छोटा बच्चा है वो उसने ऐसा देख के बड़ा नहीं हुआ है। अगर आप अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बड़े होकर आपको रेस्पेक्ट करे, तो आपको भी अपने जो सीनियर है उन लोगों को रेस्पेक्ट करना चाहिए ताकि जो आपका जो बच्चा है वो आपको देख के ये सीखे, क्योंकि बच्चे तो बड़ों से ही सीखते हैं। अगर आप उसके सामने एग्जांपल क्रिएट नहीं करेंगे तो वो जूनियर जो प्लेयर से जो आपका बच्चा है वो कहाँ से सीखेगा। तो ये हम लोगों में थोड़ी समझ की कमी मुझे लगता है और हम लोग खेल के साथ साथ हम लोग ऐसा समझते हैं कि हाँ इस ये सब एडुकेशन से क्या होगा। देखिए, ये सब एडुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप कहीं पे भी जाए और वहाँ पे जाके आप अपने किसी भी स्टेट के, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के या किसी भी इंडिया लेवल के या नेशनल लेवल के प्लेयर को आप रेस्पेक्ट करें तो इससे क्या होगा, इससे आपका घर का जो कल्चर है वो दर्शाएगा। लोग देख के ये कहेंगे कि ना ये अच्छे परिवार से है, लोग देख के ये कहेंगे कि ये अच्छा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, ये अच्छा स्टेट से बिलोंग करता है, ये अच्छा कंट्री से बिलोंग करता है। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। हम लोगों को, जो जूनियर क्रिकेटर्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उन लोगों को हमको एग्जाम्पल क्रिएट करना पड़ेगा। हम लोगों को पहले हमारे सीनियर को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर हम लोग हमारे सीनियर प्लेयर को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं तो हमारा जो जूनियर प्लेयर है वो हम लोगों को देख के क्या सीखेगा। तो यही बात आप लोगों से करनी है। और एक इम्पोर्टेंट बात है, बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो कोचेस को रिस्पेक्ट नहीं करते। ऐसा भी होता है कि गेम खत्म हो जाने के बाद सोचिए कि कोई ट्रायल कैंप चल रहा है, तो ट्रायल कैंप चलने वक्त क्या होता है, वो क्रिकेटर या तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है या फिर थोड़ा बहुत रन करके आउट हो जाता है, फिर टीम सिलेक्शन होता है, टीम में उसको जगह नहीं मिलता है, फिर वो कोचेस को गाली देता है। देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको अपने आपको खुद से सोचना चाहिए कि मैंने क्या परफॉर्मेंस किया है। मुझे कोचेस तभी चांस देंगे जब मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करूंगा। मैं करूंगा थोड़ा बहुत रन और सोचूंगा कि मुझे टीम में जगह क्यों नहीं मिला। ऐसा बहुत सारे क्रिकेटर से, बहुत सारे स्टेट का प्लेयर मैंने देखा है, मैं किसी स्टेट का नाम नहीं लूंगा, जो 30, 35 या 40 रन करके नेक्स्ट मैच के लिए अपना जगह पक्का समझते हैं। मैं किसी स्टेट का नाम नहीं ले रहा हूँ, अगर आप समझ गए तो बेटर है। तो इस तरह से क्रिकेट नहीं होता है। क्रिकेट को आपको अगर अच्छी तरह से खेलना है तो क्रिकेट को आपको टाइम देना पड़ेगा, क्रिकेट को आपको दिल से, आपको क्रिकेट को प्यार करना पड़ेगा और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ज़्यादातर आपको टाइम देना पड़ेगा ड्रिल्स किस तरह से किया जाए। तो ये सब जो छोटी छोटी बातें होती हैं क्रिकेट में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और एक इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपके कोच या आपके जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं वो लोग अगर आपको, जब प्रैक्टिस चल रहा हो, कोई ट्रायल कैंप चल रहा हो, अगर उस वक्त आपका कोई गलतियां हो और उनको वो सबके सामने कहे और आपको ऐसा लगे कि नहीं, ये मतलब आप सही है, तो हो सकता है सीनियर क्रिकेटर का या सीनियर कोच का मतलब कोई समझाने में कोई गलतियां हो, गलती तो इंसान से ही होता है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि आप सही है और वो मतलब सही नहीं है,
और शायद कुछ गलतियां वो जो कहा है उन्होंने वो ठीक नहीं है, तो वो आप सबके सामने उनको ना कहे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम सभी लोगों में एक सेल्फ इमेज होता है। जिस तरह से अगर कोई आपको सबके सामने कुछ कड़वी बात कहे तो आपको जिस तरह से बुरा लग सकता है, बिल्कुल उसी तरह से आप भी उन लोगों को सबके सामने ऐसा ना कहे, उनको साइड में ले जाके जब प्रैक्टिस ख़त्म हो जाए, जब कैंप ख़त्म हो जाए, तब उनको अकेले में जाके ये कहे कि अगर कोच हो तो उनको, सर मेरा आपने ऐसा कहा था लेकिन मुझे लगता है कि आपने सही कहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से होने से बेटर होता। अगर आपका सीनियर क्रिकेटर है तो उनको आप जाके ये साइड में ले जाके आप ये कहे कि दादा मुझे लगता है कि ये होने से बेटर होता। तो इस तरह से कुछ बातें जो होती है, बात करने का कुछ तरीका होता है, सिर्फ क्रिकेट खेलने से नहीं होता है, आपको अपने बात करने का तरीका भी आपको सीखना पड़ेगा किस तरह से बात किया जाए, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आप अच्छी तरह से समझेंगे। अगर आपको समझ में ना भी आए तो आप जब ये वीडियो को देखने के बाद जब आप अकेले में होंगे तो आप खुद ये बात, मेरी बात आप अच्छी तरह से रिपीट करके आप समझने की कोशिश करना कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोग समझ चुके होंगे। और एक बात यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा, बहुत सारे कॉम्प्लेंट्स मेरे पास आए हैं कि बहुत सारे मैसेजेस मेरे पास आए हैं कि मैं बच्चे को ग्राउंड पे लेके जाता हूँ लेकिन उनका इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। देखिए, जब आप अपने बच्चों को पढ़ाई में लेके जाते हैं तब आप अपने क्या ऐसे ही छोड़ देते हैं? आप जब उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा हो, जब उसका सक्सेस पढ़ाई में नहीं आ रहा हो, तब आप जाके उस टीचर से बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट में वो वीक है, किस सब्जेक्ट का उसको और भी इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है। तो बिल्कुल इसी तरह से आप क्रिकेट को भी लीजिए, आप सिर्फ उसको फील्ड पे मत छोड़िए, आप खुद अपने बच्चे को लेके फील्ड पे जाए, जाने के बाद उसको जाके क्रिकेट के जो कोच है उनसे बात करें, उनसे बात करने से ये पता चलेगा कि आपका बच्चा किस डिपार्टमेंट पे वीक है। तो ऐसे ही कुछ बात मैंने आपके साथ शेयर करने के लिए मैं ज़रूरी समझा, इसीलिए मैंने शेयर किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आने वाले दिनों में मैं बहुत सारे एपिसोड में ला रहा हूँ, और आप लोग लगे रहिए क्रिकेट स्कोर चैनल के साथ। और आज के लिए दोस्तों इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जो बात मैंने समझाने की कोशिश की है वो बात आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक फ्रेश एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।